साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह, जनपद सीतापुर। जैसा कि आपने सुना होगा और मैंने आप सभी लोगों को दो दिन पहले बताया था कि सरकार ने कैसे कोर्ट में अपने सरकारी वकीलों के द्वारा जो भी कमेटी बनाई गई थी मौखिक रूप से उसको लेके किस तरह से उस मैटर टेट 2018 सिंगल बेंच का क्लियर कराया, वो न बात हमसे छुपी है और ना आप सभी लोगों से छुपी है। अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है, ये हम नहीं, पूरे टेट 2018 में जितने भी अभ्यर्थी असफल हैं उन सभी लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो दो उत्तर हैं और वो आप किसी भी किताब में उठा के देख सकते हैं, चाहे कक्षा 5 की प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक कक्षा 8 तक हो, या एनसीईआरटी एससीईआरटी द्वारा जो भी अप्रूवल शिक्षा मित्र ट्रेनिंग में हो, प्रथम वर्ष दूरस्थ बीटीसी या बीटीसी की ट्रेनिंग में या बीएड की ट्रेनिंग में। हमेशा से यही है, मैंने देखा टेट 2011 उसमें भी ललित कुमार ने लड़ा और 6 नंबर पाए। 2014 नूतन ठाकुर मैम भी गई और नंबर मिले। 2017 रिजवान अंसारी भी गए डबल बेंच और नंबर मिले। इसलिए हमने भी हिम्मत दिखाते हुए टेट 2018 को डबल बेंच में चैलेंज करने का निर्णय लिया है। इसी को देखते हुए मैंने आप सभी लोगों को एक ऑडियो जारी किया था और उसमें बताया था कि एक मीटिंग संडे 30 दिसंबर 2018 समय 11 बजे से 1 बजे तक पुराना हाई कोर्ट कैसरबाग बस अड्डा के पास ग्लोब पार्क में आयोजित होगी। साथियों, उस मीटिंग में आप सभी लोग प्रतिभाग करिए, खुले मंच पे आके जिसके पास जो साक्ष्य है अगर हमसे मजबूत है हम उसको प्राथमिकता देंगे। आप अपने विचार मुझसे शेयर कर सकते हैं, जहां पे जो भी उचित होगा उसको हम अपनाएंगे या जो हमसे अनुचित हो रहा है उसको आप सुधरने का एक मौका दे सकते हैं। साथियों, हमने बहुत सोच समझ के डबल बेंच चलने का निर्णय लिया है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे हैं कि उसको कोई भी देख के इंटर तक का बच्चा वो भी बता देगा कि हाँ इसके दो उत्तर हैं, जैसे कोहलर अधिगम के सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक कारकों में से आउट ऑफ सिलेबस और ऐसे ही आगे कई प्रश्न हैं। कुल संख्या 14 की 14 पूरे प्रश्न में लेके चैलेंज करूंगा। अभी सभी को पता है विंटर वेकेशन चल रही है कोर्ट में, 21 दिसंबर 2018 से हॉलीडे स्टार्ट हो जाता है और वो 2 जनवरी 2019 को समाप्त होगा। कोर्ट 3 जनवरी 2019 को खुलेगी, उसी दिन हमारी रिट फाइल होगी। साथियों, इसी के बीच में मैं 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लूंगा। 30 को इसीलिए हमने सभी को आमंत्रित किया है मीटिंग में, खुले मंच पे बुलाया है और उसके बाद मैं रिट फाइल करने के लिए वहीं पे सबसे विचार विमर्श करके वकीलों के द्वारा बड़ी ही मजबूती के साथ साच सबमिट करके रिट फाइल करूंगा। और साथियों, ये भी आपसे बताना चाहता हूं, हाथ पे हाथ रखने से कोई फायदा नहीं होता, किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। जब कोई चलता है तो उसके पीछे लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और जो आगे चलता है अगर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिल एक ना एक दिन अवश्य हासिल करता है। इसी को देखते हुए मैंने भी ये कदम उठाया है। साथियों, नंबर तो पढ़ेंगे ये तो निश्चित है, मैं पहले भी कहता था नंबर तो पढ़ेंगे ये तो निश्चित है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6। साथियों, नंबर तो 2 बढ़े, 20,000 अभ्यर्थी पास हुए, हमको भी खुशी है, लेकिन जो हमारे और 20 से 30 हजार लोग पास होने वाले थे उनके ऊपर सरकार ने पानी फेर दिया।
उनके मनोबल को गिरा दिया, जबकि ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकते या उन्होंने पेपर गलत किया। समस्या और गलती, ये दोनों पेपर सेलेक्ट करने वाले उन महानुभावों की है जिनके द्वारा आए दिन 2011 से लेके 2018 तक जब भी टेट का पेपर सेलेक्ट होता है तो ये लोग ऐसे प्रश्नों का चुनाव ही क्यों करते हैं जिन प्रश्नों के दो उत्तर होते हैं, या वो प्रश्न गलत होते हैं या वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। कार्रवाई तो इनके ऊपर करनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये लोग ऐसा बार बार अभ्यर्थी को क्यों परेशान करते हैं? कई अभ्यर्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई अभ्यर्थी कोई गलत कदम उठा लेते हैं, ये सब चीजें क्यों होती हैं? इसका आखिर दोषी कौन है? अभ्यर्थी जिसने कक्षा एक से लेके इंटर ग्रेजुएशन BTC तक उन्हीं किताबों से पढ़ा जो NCERT और SCERT के द्वारा अप्रूव्ड होके हमारे सिलेबस में हमको दी गई, तो क्या वो किताबें गलत थी? क्या उनके राइटर गलत थे? या उनको मान्यता देने वाली संस्थाएं गलत हैं? अगर है तो उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई केस या क्लेम बनता है या नहीं बनता है? तो साथियों, सोचने की बात है, आगे बहुत कुछ है। जब आप आएंगे मीटिंग में तो वहीं पे विचार विमर्श होगा। इसी के साथ आशीष कुमार सिंह, जनपद सीतापुर, जय हिंद।